दोस्तों आज आप जानेंगे कि अगर सॉकेट के अंदर पिन टूट जाए तो पिन को कैसे रिपेयर करें और साथ ही साथ सॉकेट में जो ये टुकड़ा फंसा हुआ है इसको कैसे निकालें बिना सॉकेट को बदले। तो आप देख रहे हैं गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं राज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या टूल्स और क्या क्या पार्ट्स का आवश्यकता पड़ेगा। सबसे पहले आप ए भी वायर लेंगे, ऑडियो वीडियो वायर, नया पुराना, कोई आपके घर में पहले से पुराना अवेलेबल वाला, आप उसमें से भी इसको निकाल के कोई एक तार निकाल लें, जैसे मैंने एक निकाल रखा है, ठीक है अलग। अब आपको क्या करना है, बीच से एकदम इसको कट कर लेना। सबसे पहले मैं इस दोनों में तार लगा दिखाता हूं, उसके बाद बूफर के सॉकेट से उस टुकड़े को कैसे निकाले उसको बताऊंगा। तो आप इसको अच्छे से खोल लें, बस ज्यादा कुछ का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। एक टूल्स चाहिए, स्क्रू ड्राइवर और एक नीडिल सुई चाहिए और बस आयरन, ठीक है। तो आप देखते रहिए, पुराने वाले तार का कनेक्शन हटा के दोनों से इसको निकाल के हटा दें। नए तार को लगाने के बाद एक गांठ जरूर लगा दें ताकि आपका तार बाहर से खींचने पर यहां से टूटे नहीं, ठीक है। ये बहुत छोटा सा चीज है, इसके लिए आपको मार्केट में टेक्नीशियन के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आसानी से आप बना सकते हैं घर पे, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। देखिए इसमें कुछ इस तरह से तार निकलेगा, तो आपको ये सबको एक में कर देना है और एक कलर जो है उसको अलग कर देना है। एक में ट्विस्ट कर दीजिए ऐसे और ये पूरा सेपरेट अलग हो गया। एक बार फिर से इसको कर लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए आप, ताकि एक दूसरे में से कनेक्ट होने का, शॉर्ट होने का डर ना रहे। सोल्डिंग मजबूती से करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये लग चुका है। अगर आपको लगे कि ये तार कुछ छोटा हो जा रहा है तो आप एक इसमें से पूरा एक तार लगा सकते हैं, जो कि आपको 1.5 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। और इससे लंबा चाहिए आपको तार, तो आप ये लगा के बीच में से कट करके सिंपल वायर कुछ जोड़ के बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे करिए, अपना अपने अनुसार अपना तार का लंबाई क्या होना चाहिए आप वो तय कर लीजिए, ठीक है। अब बताता हूँ कि सॉकेट से जो टुकड़ा फंसा हुआ है उसको कैसे निकालें, सॉकेट में से जो टुकड़े फंसे उसको कैसे निकालें। दोनों सॉकेट में आप देख पा रहे हैं टुकड़ा फंसा हुआ है और जिसका है ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोशिश किया है पर निकल नहीं पाया। तो सबसे आसान इसका तरीका है, इसको आप खोल लीजिए, ऊपर वाला ठीक है, यहाँ नीचे वाले में टुकड़ा फंसा हुआ है। आप सबसे पहले इसको पलट लें ऐसे। अब आप देखें कि इस पर कवर लगा हुआ है बैक साइड में, इस कवर को आपको निकालना है। किसी किसी में कवर नहीं रहता है, किसी किसी में कवर लगा होता है, ठीक है। तो आप कवर को अच्छे से निकाल लीजिए, कवर जब अच्छे से निकल जाए तो एक पतला सुई लेना है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि ये जो पत्ती जो दिख रही है आपको यहाँ पे पत्ती दिख रही है, इसके ठीक ऊपर या ठीक नीचे गौर आप करिएगा। देखिए यहाँ पे एक ऐसी पट्टी जो दिख रही है, ये पट्टी, ठीक है, ये जो प्लेट दिख रहा है आपको मेटालिक प्लेट, ये और ये नीचे दो दिख रहा है, ये दोनों के या तो थोड़ा सा ऊपर या तो थोड़ा सा नीचे आपको सुई लगाना है, ठीक है। और अगर आपको लगे कि हाथ से लगाने में दिक्कत हो रहा है तो आप कुछ इस तरह पकड़ सकते हैं, आप उसको सुई को कुछ ऐसे पकड़ के आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अभी पट्टी है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ देखिए पीछे तरफ
बाहर निकला, जब आपको लगे कितना निकल गया ये बाहर आ जाए तो आप इसको बाहर खींच दीजिए। एक निकल चुका है और सेम काम उसमें भी करना है, सेम यहां भी देख लीजिए आपको वही लगाया गया है, पट्टी से थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर, आप दोनों तरह से प्रयास कर सकते हैं। देखिए बस निकल गया। अब फिर आप इसको एक बार अच्छा से देख लो, कोई तार वार अगर नहीं टूटा है, तार टूटा हो तो उसको जोड़ दें, नहीं टूटा है तो अच्छा है। अब इसको फिर से उसी तरह असेंबल कर लें। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो आप क्या करें, ये सॉकेट भी बदल सकते हैं, लेकिन सॉकेट बदलने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत दोस्त वीडियो देख लेते हैं और ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि बहुत दोस्तों का मदद हो सके, वो लोग खुद से रिपेयर कर सके चीजों को मार्केट में, वो जाके अपना टाइम और पैसा बर्बाद ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब, आप कम से कम एटलीस्ट अपने घर का टेक्नीशियन खुद बन सकें।